ओम शांति। हम सभी तपस्वी अब निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। हमारी तपस्या का अंतिम परिणाम है ही कि हम निराकार हो जाएं। इसके लिए हमें चलते फिरते ये अभ्यास करना होगा कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो चेतन्य आत्मा, चमकती हुई ज्योति, आश्चर्य सूर्य, पवित्रता का सूर्य हूँ। मैंने तो इस देह में अवतार लिया है। इससे हमारा चित्त शांत रहेगा और व्यर्थ संकल्पों से हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि व्यर्थ संकल्प ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को, ब्रेन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कर्म हम करें या कुछ भी खाए पिए, हमें ये अभ्यास करते चलना है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो ऊपर से फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ, मैं तो प्रकाश के शरीर में हूँ। कभी अपने को ऊपर देखें, कभी इस देह में प्रवेश करते हुए महसूस करें। फरिश्ते का काम सभी को प्रकाश देना ही है, क्योंकि हम ऊपर से आए हैं एक महान कार्य के लिए कि हमें सबको प्रकाश देना है, सहयोग देना है, हमारा दूसरों को वाइब्रेशंस देना सबसे बड़ा सहयोग है। बदले में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारा काम केवल देना है, संसार की वायुमंडल को पवित्र करना है, मनुष्य आत्माओं के दुख हरने हैं, हमें सहयोग देते रहना है। तो चलते फिरते पानी पी रहे हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। खाते हुए 10 बार याद कर लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। एक साथ 10 बार में पूरे खाने के समय 10 बार याद कर लें, सोने से पहले 10 बार याद कर लें, बाइक चलाएं शुरू करें 2 बार याद करें, बीच बीच में भी याद करें, और मुझसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। इससे हमारी बुद्धि देहधारियों में कभी नहीं जाएगी, हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाएगी और हम एक महान स्पिरिचुअल एनर्जी से स्वयं को भरपूर करेंगे। आत्मिक दृष्टि होने से हम संसार को सकास देते हैं, हमारी किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। तो हम सभी कर्म करते हुए ऐसा श्रेष्ठ अभ्यास करें कि मानो हम इस दुनिया में हैं ही नहीं, हम तो साक्षी दृष्टा हैं। जैसे फरिश्ता ऊपर से आया है और इस संसार को देख रहा है, कैसी स्थिति है यहाँ की, कैसे मनुष्य हैं यहाँ के, कैसे आसुरी संपदा चारों ओर बढ़ गई है, कैसे मनुष्य में वासनाएं विकराल रूप से जागृत हो गई है, इन्हें साक्षी होकर देखें। क्यों हो गई, क्यों ऐसा लोग कर रहे, ये क्यों नहीं साक्षी दृष्टा माना, क्यों के क्वेश्चन से सदा मुक्त, बिल्कुल देखना, देखने वाले, न कि उसके चिंता करने वाले। चिंतन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वही कलयुग के अंत में होना है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज करने वाले तो हम हैं, बाबा है जो अब इस युग को ही बदल देंगे। तो आज सारा दिन हम अपने को प्रकाश की देह में, और मैं अपना प्रकाशमान मस्तक के बीच चमकती ज्योति हूँ, ऐसा मैं फरिश्ता हूँ और मेरे अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है, ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और कभी अभ्यास करेंगे। साक्षी होकर सभी आत्माओं को, मनुष्यों को, इस कलयुगी संसार को होने वाली घटनाओं को देखेंगे और महसूस करेंगे मेरे मस्तक
से हम एक तरफ खड़े हैं, हमारे मस्तक से प्रकाश की किरणें निकलकर सारे संसार पर पड़ रही हैं। इसे बहुत सुखद अनुभूति होगी, दूसरों को भी हम सहयोग दे सकेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।